आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। जीवन साथी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप जब छोटे थे तो आपके मम्मी डैडी आपको छेड़ते थे, तेरी भी शादी करेंगे जब तू बड़ा होगा या होगी, और आप शर्मा जाते थे। बहुत सी लड़कियां, स्पेशली छोटी लड़कियां कहती हैं, मैं तो अपने पापा से ही शादी कर लूंगी, है ना। मैंने भी ऐसा ही कहा था, पर जब जीवन साथी का असली मतलब समझ आता है तो आप कितने सपने बुनते हो, क्या क्या सोचते हो कि ऐसा होगा, वो ऐसा मेरा ख्याल रखेगा, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। एक्चुअल लाइफ में कुछ और ही होता है, क्योंकि सपनों की लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है। पर जो भी हो, आप हमेशा यही सोचते हो कि मैं सुहागन ही इस दुनिया से विदा हूँ। एक अनोखा अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता बन जाता है पति पत्नी का। आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज हो जाते हो कि कुछ टाइम में लगने लगता है कि अरे हम तो कितने सिमिलर हैं, हमारी आदतें एक जैसी हैं। हाँ हाँ, लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है, पर लड़ाई के बिना प्यार कैसा। फिर रूठना मनाना भी तो होता है, जिसका मजा ही अलग है। इसी प्यारे से इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपने पति की लंबी उम्र के लिए आ रही वट सावित्री व्रत करना है। कहते हैं औरत अगर चाहे तो भगवान से भी लड़ जाती है, और ऐसे ही सावित्री जी ने अपने पति के प्राण यमराज जी से वापस ले लिए थे, और सावित्री जी ने बड़ के पेड़ की पूजा करी थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने की अमावस्या पे वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आप एक बात इस बार ध्यान देना, वट सावित्री व्रत की कहानी में आता है कि कैसे सावित्री ने अपने अंधे बूढ़े सास ससुर की सेवा करी थी। बिल्कुल साफ मन से, बिना किसी लालच के उन्होंने सास ससुर को माँ बाप की तरह उनकी सेवा करी थी। यकीन मानिए, माँ बाप के आशीर्वाद में जो जादू है वो चमत्कार है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो माँ बाप की, सास ससुर की सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो थोड़ा गुस्सा करते हो, पर आपको उनकी बेइज्जती नहीं करनी है। 19 मई को है वट सावित्री व्रत, क्योंकि अमावस्या 18 मई रात में 9:42 से शुरू होके 19 मई रात 9:22 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से वट सावित्री व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 मई को सुबह 7:19 से सुबह 10:42 तक। आप सुबह नहा धोकर 16 सिंगार करें, व्रत करें, बड़के पेड़ की पूजा करें, व्रत की कहानी सुने। अगर पति पत्नी में झगड़ा है, आप अगर अलग होने का भी सोच रहे हैं, तो भी आप ये व्रत करो, और मैं एक उपाय बता रही हूँ, वो भी जरूर करें। इससे पहले एक खास उपाय जो आप सबको करना है, ताकि आपका रिश्ता प्यार से भर जाए, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। कहते हैं सत्यवान जी सावित्री के पति थे, वो बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां पर यमदेव उनको लेने आए थे। तो इसमें बड़ के पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। बड़ के पेड़ की पूजा करते हो तो आप 7 बारी सूती सफेद धागे से बड़ के पेड़ की परिक्रमा करते हो। अगर आपने नहीं किया कभी, तो इस बार करो। एक सफेद सूती धागा लेके बड़ के पेड़ पे 7 बारी परिक्रमा करके, यानी घूम के 7 बारी धागे को आपको लपेटना है। फिर बाद में परिक्रमा करने के बाद आपकी जो 7वीं परिक्रमा होगी, उसमें से आप थोड़ा सा लंबा सूती का धागा तोड़ लेंगे और बड़ के पेड़ की मिट्टी इस सूती के धागे पे आप लगा लेंगे। फिर आप इस सूती के धागे को अपने बेड पे, जिस पे आप पति पत्नी दोनों सोते हैं, उस बेड पे कहीं भी किसी भी सिरहाने पे आप इसको बांध देंगे। इससे आपके जीवन में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आएगी, और जो मनमुटाव चल रहा है वो दूर होगा, आपका रिश्ता गहरा होगा। अच्छा, अब जिसके संबंध में कुछ खटास आ गई है, तो उनको व्रत करना ही करना है। अभी जो उपाय बताया वो तो आपको करना ही है, साथ में आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है,
इस काजल की डिब्बी को आपको अपनी एक कपल फोटोग्राफ लेनी है, अपने पति पत्नी की फोटोग्राफ लेनी है और इस फोटोग्राफ पे से इस काजल की डिब्बी को आपको 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर बढ़ के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोद कर वहां पे इस डिब्बी को दबा देना है और ऊपर से मिट्टी भर देनी है। आप देखना आपके रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं वो दूर होने लगेंगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगी। आप सब अच्छे से व्रत और उपाय करें ताकि आपका रिश्ता खूब मजबूत बने। ये वीडियो आप अपनी मम्मी के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनका भी जीवन खुशियों से भरे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।